नमस्कार जनप्रवाद की खास खबर के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। गाजीपुर की जनसभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सिन्हा को जिताने की भी उन्होंने अपील की। अमित शाह ने पूर्वांचल में मनोज सिन्हा के लिए जनसभा की, लेकिन कश्मीर मामले को उछालना नहीं भूले। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारत से कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए देश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मारा गया। आतंकियों के मारे जाने से कईयों के चेहरे से नूर चले गए। अमित शाह ने दावा किया कि फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बार फिर अजय राय को मैदान में उतारा है। अजय राय पिंडारा विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। बता दें कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने अजय राय पर भरोसा जताया था। उस दौरान अजय राय को करीब 75,000 वोट मिले थे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मोदी के सामने करीब 2 लाख वोट पाए थे। इस बार सपा बसपा गठबंधन से शालिनी यादव चुनाव लड़ रही हैं। शालिनी यादव राज्यसभा के पूर्व उपसभापति और केंद्रीय मंत्री श्यामलाल यादव की बहू हैं। शालिनी वाराणसी से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब देखना होगा कि शालिनी यादव और अजय राय मोदी को चुनावी टक्कर देने में कितना कामयाब होंगे। कांग्रेस नेता और AICC सदस्य मनोज कुमार सिंह ने दावा किया है कि इस बार सासाराम संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार अप्रत्याशित मतों से चुनाव जीतेंगी। उन्होंने सासाराम में कहा कि पिछले चुनाव में लोगों ने गलतफहमी में आकर भाजपा के छेदी पासवान को वोट कर दिया था, लेकिन इस बार जनता सजग है, वो भाजपा के छलावे में आने वाली नहीं है। इस बार सासाराम की जनता ने मन बना लिया है, वो मीरा कुमार को ही अपना मत देंगे। मनोज सिंह ने कहा कि विकास की रफ्तार थम गई है, मीरा कुमार उसमें फिर से तेजी लाएंगे। हार के डर से भाजपा प्रत्याशी छेदी पासवान बौखलाहट में है। वे मीरा कुमार के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। ये देखो कि जिस तरीके से छेदी पासवान सांसद घूम घूम के हर जगह विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में हमारी मीरा कुमार जी ने जो कार्य किया उसको भी ये पूरा नहीं कर पाए, और इनको इतनी बौखलाहट बेचैनी है केवल विकास की बात करें, विकास तो हुआ नहीं। पिछले जो छलावे में आकर के इनको लोगों ने दे दिया वो पछतावे में है, और मीरा कुमार भारी मतों से भी ये होने जा रही है। सातवें चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उसी के तहत काराकाट संसदीय सीट के लिए महिला प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर नीलम यादव ने पर्चा दाखिल किया। बता दें कि रोहतास के 3 तथा औरंगाबाद के 3 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर काराकाट संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव उतारने के सवाल पर डॉक्टर नीलम यादव ने कहा कि आधी आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए वे मैदान में आई हैं। सभी दलों ने महिलाओं को टिकट देने में रुचि नहीं दिखाई, ऐसे में महिलाओं के सम्मान के लिए वो काराकाट संसदीय सीट से चुनाव मैदान में आई हैं। मैंने काराकाट से नामांकन किया है और मेरी प्रायोरिटी रहेगी महिलाएं, युवा, महिलाओं को इस लोकतंत्र के महापर्व में किसी पार्टी ने समुचित जगह नहीं दिया है, इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आने का फैसला किया कि भाई हम भी इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के मेरा मेन फोकस होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कि महिलाएं ही परिवार की वो यूनिट हैं, जो मजबूत होंगी तो हमारी सोसाइटी मजबूत होगी, तभी हमारा देश भी मजबूत होगा। रामपुर में चुनाव होने के बाद सपा के नेता आजम खान ने प्रेस वार्ता की। आजम खान ने प्रशासन पर गठबंधन को वोट देने वालों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 सप्ताह से केवल मुसलमानों के दरवाजे तोड़े गए हैं, तलाशी के नाम पर केवल मुस्लिम महिलाओं को अपमानित किया गया, दुकानदारों के तमाम बाजार बंद करा दिए गए, सामान उठाकर फेंक दिया गया, ऐसा अनोखा मंजर कहीं देखने को नहीं मिला होगा। ये दास्तान कोई पढ़ पाए तो शायद उन्हें पढ़ने को भी नहीं मिलेगी। वोटर्स सड़कों पर नहीं था, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को नहीं चलने दिया गया। तकरीबन 1 सप्ताह से केवल मुसलमानों के घरों के दरवाजे तोड़े गए, उनके घरों के सामान लूटे गए, केवल मुस्लिम महिलाओं को मारा पीटा गया, अपमानित किया गया, और एक दिन पहले शिद्दत के साथ खुद जिलाधिकारी ने, पुलिस अधीक्षक ने और उन तमाम अधिकारियों ने अपने हाथों से, डंडों से पूरी तरह शांति प्रिय, कमजोर, गरीब, असहाय मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से मारा है।
जबरन बाजार बंद करा दिया गया, दुकानों में जो सामान खरीद रही थी महिलाएं पुरुष उन्हें मारा गया, सामान उठाकर फेंक दिए गए, शाम से ही बाजार बंद करा दिए गए। ऐसा अनोखा मंजर कहीं देखने को नहीं मिला होगा। यह अनोखी दास्तान भी अगर कोई पढ़ पाए तो शायद उन्हें पढ़ने को नहीं मिलेगी। आजम खान ने कहा कि उत्पीड़न के खिलाफ हमने शिकायती संघ खोल दिया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, दरखास्त देंगे और जिन लोगों के चेहरे पर चोटें हैं हम कोशिश करेंगे सरकारी अस्पताल में उनका मेडिकल हो। अगर सरकारी अस्पताल में उनके मेडिकल को कोई इनकार करेगा तो हम मेडिकल प्राइवेट डॉक्टर से कराएंगे। जिलाधिकारी SP रामपुर, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने रामपुर नगर के टांडा, स्वार और दड़ियाल के लोगों का ज़्यादा उत्पीड़न किया है। इसके लिए शिकायती सेल खोल दिया है, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे और जिन लोगों के शरीरों पर चोटें हैं हम कोशिश करेंगे सरकारी अस्पताल में उनका मेडिकल हो। अगर सरकारी अस्पताल उनके मेडिकल को इनकार करेगा, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो हम ये मेडिकल प्राइवेट डॉक्टरों से कराएंगे। जिलाधिकारी ने जिस जिलाधिकारी, SP रामपुर, एडिशनल SP, SDO और सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर नगर, टांडा, स्वार, दड़ियाल, केवल इन इलाकों में ही डंडा बजाया है। आजम खान ने भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर आरोप लगाते हुए कहा, आपको ये मालूम है कि बड़े पैमाने पर भाजपा प्रत्याशी ने पैसा बांटा। हैरत आपको इस पर नहीं होना चाहिए कि ये पैसा पुलिस के अफसरों ने और कांस्टेबल ने अपने साथ ले जाकर बांटा। कांसी राम कॉलोनी में ये पैसा और इसके फोटो मोबाइल में मौजूद है। आपको ये मालूम है कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पैसा बांटा। हैरत इस पर आपको नहीं होना चाहिए कि ये पैसा पुलिस अफसरों ने और कांस्टेबल्स ने अपने साथ ले जाकर बांटा। कांसी राम कॉलोनी में ये पैसा और इसके फोटो। आजम खान के 2 लाख वोटों के ना पड़ने देने के आरोपों पर भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने कहा कि आजम खान बौखला गए हैं, उनको पता है कि वे हारने वाले हैं, इसलिए गलत आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन और अधिकारी लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि फर्जी वोट डालने से रोकते हैं। फर्जी वोट रोकने से आजम खान को तकलीफ हो रही है। अभी ये बौखला गए हैं, उनको पता है कि हारने वाले हैं, तो इसलिए ये सब गलत आरोप कर रहे हैं। प्रशासन और अधिकारी लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो बल्कि जो जाली वोट होता था, जो फर्जी वोट लगाते थे, एक एक बूथ पे 10-10 वोट लगवाते थे, ये तो आजम साहब की आदत है। तो ये उनके जिस तरीके से वोट को काटते हैं, जिस तरीके से वोट को लगाते हैं, वो खुद जानते हैं। इसके लिए वो इस कह रहे हैं कि दूसरों के ऊपर अभी लगा रहे कि वो अपने ऊपर ये हो रहा है, तो उनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि फर्जी वोट से वो हमेशा मेजॉरिटी में जीतने की आदत है 20 साल से। तो ये तो गलत निकला ना, तो प्रशासन ने सख्त किया। और यहाँ पे जहाँ पे दंगे का प्लान होता था, जहाँ पे आरोप का प्लान होता था, जहाँ पे बूथ का कब्जा करने का ये सब करते थे, गुंडे लोग बैठते थे, उनको सबको हटा के उनको इस निष्पक्ष जो चुनाव कराया और लोगों को एक ऐसे जो मौका मिला है कि वो खुल के जहाँ पे मन से वोट दिया था, तो इसके लिए आजम खान साहब को यह अच्छा नहीं लग रहा है। आजम खान द्वारा EVM पर सवाल खड़ा करने पर जयाप्रदा ने कहा कि जो हार रहा होता है वो आरोप लगाता है, यही हाल आजम खान साहब का है। आजम खान की तंजीम फातिमा के बयान पर जयाप्रदा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब पति और बेटे पर आरोप लगते हैं तो फातिमा भाभी भी निकलकर घर से आती हैं। यह हिंदुस्तान है, दूसरों की औरत को द्रौपदी बताएंगे और खुद को खिलजी बोलने में उनको तकलीफ होती है। देखिए, जो भी हारते हैं ये तो आदत है, उन लोगों को मशीन के ऊपर डाल देते हैं, तो जहाँ जहाँ अगर मशीन खराब ही हुआ है तत्काल इनको प्रोवाइड किया गया कि एक दूसरे वाला जब अपने ऊपर आता है तो फातिमा भाभी भी निकल कर घर से आती है पति को बचाने के लिए। ये तो हिंदुस्तान है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरों के औरत को द्रौपदी बनाएंगे और खुद खिलजी बोलने में उनको तकलीफ होती है। भाभी आप बाहर निकल के बोलो। अनारकली वाले बयान पर जयाप्रदा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाभी आपका बेटा मुझे अनारकली बोल रहा है, मैं यहाँ सलीम को ढूंढने नहीं आई, आप भी एक माँ है और अब्दुल्ला मेरे बेटे जैसा है, जिस तरह से सम्राट मेरा बेटा है उसी नज़र से मैं उनको देखती हूँ, आपको महिला होने के नाते ये सब नहीं करना चाहिए,
आपका संस्कार ये नहीं है, महिलाओं का सम्मान करो। आपके बेटा मुझे अमन अनार के लिए बोल रहा है, तो मैं तो अनार के लिए नहीं हूँ, क्योंकि सलीम को ढूंढने नहीं आई इधर रामपुर में। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप भी एक माँ है, और अब्दुल्ला मेरा बेटा जैसा है, मेरा जिस तरह का तो मेरा बेटा है सम्राट, उसी नजर से मैं उनको देखती हूँ। लेकिन आपने मुझे डिफर किया है, अलग किया। महिला मतलब एक माँ होते हुए आपको उनको ये करना चाहिए कि आपका संस्कार ये नहीं है, महिलाओं को सम्मान करो। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट संसदीय सीट के लिए पर्चा दाखिल किया। सासाराम के समाहरणालय में उन्होंने नामांकन किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दोबारा एनडीए की सरकार देश में आ जाती है तो ये आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर देगी। उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर समान रूप से निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आज बच्चों के लिए ना पढ़ाई, युवाओं के लिए ना कमाई और बीमारों के लिए दवाई की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वे दोबारा काराकाट सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका में पिछड़े दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी वकालत की। देखिए, मुद्दा तो अभी देश में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिन मुद्दों से देश और बिहार और काराकाट भी जूझ रहा है। एक तो सबसे बड़ा है डेवलपमेंट के मामला में नीतीश कुमार जी ने और भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए कमाई, बच्चों के लिए पढ़ाई और बीमार लोगों के लिए दवाई का इंतजाम बिहार की धरती पर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरा त्रस्त है, बिहार त्रस्त है, सभी जगह इसी स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। मायावती ने अपने ट्वीट में भाजपा से सवाल पूछा कि पार्टी जनता का अपमान क्यों कर रही है, भाजपा विपक्ष का नेता पूछकर अपमान कर रही है। मायावती ने लिखा, ऐसा ही अहंकारी सवाल पहले उठाया गया था कि नेहरू के बाद कौन है, तब भी देश ने इसका तगड़ा जवाब दिया था और आगे भी देश इसका जरूर जवाब देगा। डेहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए राजद प्रत्याशी फिरोज हुसैन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। डेहरी के अनुमंडल कार्यालय में राजद प्रत्याशी ने पर्चा भरा। बता दें कि फिरोज हुसैन राजद के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के पुत्र हैं। राजद ने उन्हें इस बार अपना कैंडिडेट बनाया है। लोकसभा के मतदान के साथ ही डेहरी विधानसभा के उपचुनाव का भी मतदान 19 मई को होगा। नामांकन करने के बाद राजद प्रत्याशी फिरोज हुसैन ने कहा कि वे अपने पिता इलियास हुसैन के विकास कार्यों को और गति देंगे। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय के धारा को और मजबूती देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ग का उन्हें सहयोग मिल रहा है तथा उनकी जीत पक्की है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, भाई तेजस्वी यादव का जो आशीर्वाद प्राप्त है, उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा और विधानसभा के रुके हुए बाकी पड़े हुए विकास के सारे कार्यों का पूरा करूंगा और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करूंगा। जनपद मैनपुरी की किसनी थाना क्षेत्र की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की योजना बनाते 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। यह लुटेरे क्षेत्र में लूट की घटना को काफी समय से अंजाम दे रहे थे। लुटेरे क्षेत्र में घटना को अंजाम देकर सीमा से फरार हो जाते थे। पुलिस को इनकी काफी समय से तलाश थी। इनके पास से 6 देसी तमंचे और 7 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सभी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। 4 तारीख को थाना किसनी में रात में शराब के सेल्समैन से बिल्कुल बॉर्डर एक बिकावा और बॉर्डर एक इसका नाम उस टीम में असफलता प्राप्त करते हुए 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। घटना के दिन भी 4 लोग तो मौके पर थे और 3 लोग बैकअप टीम में थे। उनका सिस्टम बड़ा बहुत अच्छा है। इस 7ों में एक व्यक्ति रहने वाला उस घटनास्थल के पास का है, सूत्रधार वही था। बाकी टीम औरैया और उधर कानपुर देहात और घटना साइड से आई थी। खास खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए जनप्रभात के साथ। नमस्कार।